वाली मीडिया को न राम राज चलाने वाला यूपी दिख रहा है दोस्तों, और न ही अब मोदी जी का गृह राज्य गुजरात दिख रहा है, जबकि दोनों ही जगह भीषण बाढ़ आई हुई है, कुदरत का कहर बरस रहा है। गुजरात में बाढ़ के पानी से हाल बेहाल है, जगह जगह गाड़ियां कागज के नाव की तरह पानी में बहती चली जा रही है, घरों में पानी भर गया है, जानवर बह रहे हैं दोस्तों, लेकिन कोई ऐसा क्रांतिकारी पत्रकार, कोई ऐसा गोताखोर पत्रकार अब तक सामने नहीं आया है जो गुजरात जाकर क्रांतिकारी पत्रकारिता कर पाए। हम तो देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे, कोई गया ही नहीं है, बाढ़ के हालात दिखा पाए हम तो देखना चाहते थे। हम तो कहते देखिए जाइएगा भी मत, अगर नहीं गए हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि जब दिल्ली में एक सड़क पर पानी में ये पत्रकार डुबकी लगाकर पत्रकारिता को अंजाम दे सकते हैं दोस्तों, तो गुजरात में तो पता नहीं क्या होगा ना। तो हम तो चाहते हैं ये सुरक्षित रहें जहां रहें, इसीलिए इनकी सुरक्षा की फिक्र करते हुए हम तो यही सलाह देंगे कि भाई मत जाइएगा महाराज, क्योंकि जब आप दिल्ली में डूब जाते हैं बाढ़ के पानी में तो वहां तो क्या ही हाल होगा। मगर स्टूडियो से दिल्ली में तूफानी बाढ़ का कहर दिखाने वाले एंकर एंकराएं तो प्रकट हो ही सकती हैं ना, वही स्टूडियो से दिखा दे कि गुजरात में क्या हो रहा है। दोस्तों गुजरात में बाढ़ से कितना बुरा हाल है, वहां लोगों की कितनी बुरी हालत है, आपको इस खबर में हम दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। बाढ़ का कहर इस कदर कि गाड़ी से लेकर जानवर और जानवर से लेकर इंसान सब के सब पानी के भयंकर बहाव में डूबते चले जा रहे हैं। ये हाल है इस वक्त गुजरात का, गुजरात के कई इलाकों का और खासकर जूनागढ़ का। दोस्तों जूनागढ़ में तो बहुत बुरी हालत है, गुजरात मॉडल जिसका चूरन देश भर के कई राज्यों में मोदी जी ने भी बेचा, भारतीय जनता पार्टी ने भी बेचा, कर्नाटक में भी बेचने की कोशिश की थी। गुजरात मॉडल का ही हवाला देकर कर्नाटक में बोल कर आए थे ना कि गुजरात का मॉडल देखा है ना आपने, कर्नाटक में भी ऐसा ही हम बना देंगे। अब सपने सजाए गए थे जीत के, लेकिन हार गए। अब हारे क्यों, इसकी तस्वीरें गुजरात से सामने आ रही है, क्योंकि गुजरात मॉडल की फजीहत हो रही है दोस्तों। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर गुजरात के कोने कोने में विकास की गंगा बह रही है, विकास की धारा बह रही है, जिस धारा की गति इतनी तेज है कि लोगों की जान खतरे में पड़ गई है, जानवर बहते चले जा रहे हैं, गाड़ी बचाने के चक्कर में लोग डूब जा रहे हैं। गौतम गंभीर दिल्ली में आई हुई बाढ़ पर ट्वीट कर डालते हैं कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, गोदियों की टोली दिल्ली की सड़कों पर घुटनों से नीचे पानी होने पर भी सवाल करती है कि आखिर टैक्स का पैसा कहाँ गया। अरविंद केजरीवाल से ढेरों सवाल पूछे जाते हैं। आज गुजरात की तरफ निहारने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है, शायद दोस्तों इन सबकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया होगा, हो सकता है ना, तभी तो नहीं दिख रहा है कि गुजरात में क्या हाल है। सबसे पहले तो वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप, जहां पर गुजरात में भयंकर भीषण बाढ़ ने त्राही त्राही मचा कर रख दी है दोस्तों, वीडियो देखिए आप। जी तो जो वीडियो आपने देखा उसमें जानवर पानी के भयंकर बहाव में बहते चले जा रहे हैं, ये तो जानवरों की हालत है। अब आपको जरा इंसानों की हालत दिखाते हैं, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी हालत दिखा देते हैं दोस्तों आपको, जहां लोगों को हाथ में बैग और जूते उठाकर घुटनों से ऊपर पानी में चलते हुए देखा गया है। एयरपोर्ट तक जाने के लिए शायद नौका सवारी भी बनवाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वीडियो दिखाते हैं दोस्तों आपको, हवाई जहाज में पानी का मजा कैसे लूटा जा रहा है, ये वीडियो देखिए। यह है मोदी जी के अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ हाथ में जूते, देखिए हाथ में जूते लेके और इतनी बड़ी पानी में ये पैर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं जी। ये हालत है एयरपोर्ट की, यह है अहमदाबाद का एयरपोर्ट, शानदार एयरपोर्ट, मोदी जी की आनवान शान जरूर देखिए, सारे दर्शक जूते ले लेके, सभी लोग देखिए हाथों को जूते लेके घूम रहे हैं जी, जा रहे हैं पूरे के पूरे, ये रहे जी, यह है अडानी का एयरपोर्ट।
अरे साहब मैं उनको नहीं पहचानता, सॉरी। ओह जी, तो यही है गुजरात मॉडल, जहां एयरपोर्ट पर भी आपको पानी की सुविधा मिलेगी, जहाज से भी यात्रा कर सकते हैं और फ्लाइट से भी यात्रा कर सकते हैं। केजरीवाल के राज में बाढ़ के पानी के लिए उनको दोषी ठहराया जाता है, वो लोग गायब हो गए हैं दोस्तों अभी, क्योंकि गुजरात में ये बाढ़ का पानी कुदरत की देन है और दिल्ली में बाढ़ का पानी केजरीवाल साहब की देन हो जाती है। मोदी जी का डायलॉग याद आ रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों वो डायलॉग थोड़ा सुना सुना सा है, आपको भी शायद याद होगा कि हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है भाई, वो सीमा गोदियों से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं ने लांग दी है, लेकिन फिलहाल ये सब के सब गायब है दोस्तों। वरना जिस तरीके की भयावह तस्वीरें, भयानक तस्वीरें गुजरात से सामने आ रही हैं, वैसी तस्वीरें भगवान ना करे किसी राज्य से सामने आए, क्योंकि लोगों का हाल बहुत बुरा है। दिल्ली से अगर ये तस्वीरें आती तो अभी तक तो सभी क्रांतिकारी गोथाखोर पत्रकारों की टोली जो है दोस्तों, इन्होंने हाहाकार मचा दिया होता। इन लोगों के मुताबिक तो फिर सड़कों पर उतरने के लिए NDRF की टीम के जो बलून्स होते हैं उनको बिछाना पड़ता। वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि बाकी के वीडियोस भी दिखा देते हैं जो कि सामने आए हैं दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। समेत मोदी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के गृह राज्य गुजरात का, जहां से कई मंत्री आते हैं, मोदी जी शाहजी आते हैं, जहां सड़कों से लेकर घरों के अंदर तक पानी भर चुका है, घुस चुका है, बड़े बड़े बंगलों जैसे घरों में भी पानी भर चुका है। अफसोस की बात पता है क्या दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि यहां तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भी नहीं है, तो जिम्मेदार ठहराया भी नहीं जा सकता है उनको, तो फिर से जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, सवाल ये है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में किसी और को ठहराया नहीं जा सकता, जिम्मेदार योगी जी को ही ठहराया जा सकता था। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही, यूपी के हालात बेहतर हैं ऐसा नहीं है दोस्तों, यूपी के हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, साथ ही नोएडा के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, और ये हम जो है ये हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, बाकायदा इसके सबूत है, सामने आए हैं, खुद News24 ने ये ट्वीट किया है, आपको News24 का ट्वीट इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पर दिखा भी रहे हैं हम। तो अब आप खुद समझिए इस बात को कि जो दावा किया जाता है, जो वादा किया जाता है, क्या वो निभाए जाते हैं और क्या वो पूरे होते हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूपी और गुजरात को छोड़कर बाकी के राज्यों में तबाही नहीं मची हुई है, उत्तराखंड के यही हालात हैं, हिमाचल प्रदेश के अभी भी यही हालात है, कुल्लू मनाली में और बुरे हालात नज़र आ रहे हैं, बाकी के जगहों पर भी हालात नज़र आ रहे हैं। अभी खबर ये भी आ रही है कि यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ने लग गया है, वहाँ सब कुछ ठीक है, अगर आप वो सब दिखा रहे हैं तो ये भी तो दिखाइए, वहाँ भी तो लोग रह रहे हैं, वहाँ भी तो लोगों की जान माल की हानि हो रही है, वहाँ भी तो लोगों का नुकसान हो रहा है, गुजरात के लोगों को भी तो ये अधिकार है ना कि वो अपनी पीड़ा सबके सामने रखें, देश की जनता के सामने रखें, तो उनकी पीड़ा को कौन दिखाएगा, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स होने का क्या फ़ायदा है, इनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ करोड़ों दर्शक इनको देखते हैं, वो कम से कम ये तो देखें कि मोदी जी के गुजरात का क्या हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गायब है, देखिए बेशक इस बात में कोई शक नहीं है कि जब कुदरत अपना कहर बरसाने पर आए दोस्तों, तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता, वाकई में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सरकार ये ज़रूर देख सकती है कि उस कहर से काफ़ी हद तक कैसे निपटा जाए। अगर वो
कहर आ चुका है, जनता उससे जूझ रही है, तो उस वक्त भी आप समाधान निकाल सकते हैं और यह आपकी ही जिम्मेदारी है। कहर आने से पहले भी प्री प्लान्ड कुछ चीज़ें होती है, योजनाएं होती हैं, वो भी आप लागू कर सकते हैं, उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम पर आप ध्यान दे सकते हैं कि कैसे पूरे राज्य के ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि ऐसी स्थिति आने के बाद लोगों को नुकसान का सामना ना करना पड़े, लोगों को लोगों की जाने ना जाएं, जानवरों की जाने ना जाएं। इन सब की जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना, इसका तो पैसा देती है ना जनता उनको टैक्स के रूप में कि नहीं देती है। जनता के टैक्स का पैसा दिल्ली में खर्च होता है तो गुजरात में भी खर्च होता है, गुजरात में खर्च होता है तो यूपी में भी खर्च होता है, बाकी के राज्यों में भी खर्च होता है। तो सबसे आप पूछिए ये सवाल, हम तो कहते हैं भारत के हर राज्य के हर सरकार से सवाल पूछिए, हर सरकार पर सवाल दागिए, लेकिन हर सरकार पर सवाल दागिए, इसको हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर खबरें दिखाना उसको पत्रकारिता कहा नहीं जाता है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में बस इतना ही, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।